नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछि मु स्वप्ना संपूर्ण खबर पूर्वरु हेडलाइंस परि मृत्यु मामला को नै बीजेपी रो उद्वेग प्रकाश विरोधी दल नेतांको नेतृत्व रे आज नयागढ़ जिला जोधपुर गांव अभिमुखे जीव बीजेपी प्रतिनिधि दल पीड़ितांको परिवार को भेटिबार कार्यक्रम महामारी पाई फिका पड़ा कार्तिक पूर्णिमा जलाशय हो पारानी बोईत बंधाण मंदिर में दियो दर्शन उपर भी रही कटक श्रीक्षेत्र में महाप्रभु राजा राजेश्वर बेश दर्शन वंचित भक्त वाराणसी गस्त करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली में गंगा घाटे करे प्रदीप प्रज्वलन दिवाली कार्यक्रम में जोग देवास पूर्व छह लेन विशिष्ट जातीय राजपथ को देशवासी करे उत्सव कांग्रेस रो सीक्रेट डील रो गुमर खोलिले सुर कहिले नर्सिंग जारी करथिले फतवा आमे चुप रहिलु बीजेपी माइलेज नेला अरुण को सुहाउची कांग्रेस विदा परे विस्फोरक बयान जन विरोधी नुहे पोल खोलिबारु एक्शन नैछि दल कोविड केलेंकारी कथा उठाइथिबारु आक्रोश कांग्रेस कहिला पाठककक सह प्रदीप अन्य बीजेडी नेतांक रहिछि लिंक आसंता कालीठ कोणार्क को उत्सव कोविड कटकणारे पालन हेबो महोत्सव प्रदर्शन हेबो कोड़े ऊर्ध बालुका कला मीना बजार यात्रा को संपूर्ण बारण एवं जाड़े थरिबो ओडिशा दुई दिन परे परिवर्तन हेबो तापमात्रा 10 डिग्री तले सोनपुर सहर 36 घंटे अवपात रूप नहीं पारे बंगोपसगर सृष्ट लघुचाप ओडिशा उपरे रहिबो नाही प्रभाव एथर संपूर्ण खबर परि मृत्यु मामला को नहीं आज नयागढ़ जिला जोधपुर गांव को जीव बीजेपी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दल विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायकों नेतृत्व में बीजेपी समस्त विधायक जाई पीड़ित परिवार को साक्षात करिबार कार्यक्रम रही विधानसभा आरंभ दिन ही परि मृत्यु मामलें मंत्री अरुण साहू को बहिष्कार और सीबीआई तदंत दाबी में बीजेपी सदस्य माने प्रतिवाद करि आछन्ति गतकाली मध्य हट्टगोल करबा सह गांधी मूर्ति तले प्रतिवाद करथिले बीजेपी सदस्य माने ब्यानर देखाई होहला करथिले तबे पुनि थरे कहि रखछु परि मृत्यु मामला को नै आज नयागढ़ जिला जोधपुर गांव को जीव बीजेपी रो एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि दल विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायकों नेतृत्व में बीजेपी समस्त विधायक जाई पीड़ित परिवार को साक्षात करिवार कार्यक्रम रही विधानसभा आरंभरु ही परि मृत्यु मामलें मंत्री अरुण साहू को बहिष्कार और सीबीआई तदंत दाबी में बीजेपी सदस्य माने प्रतिवाद करि आछन्ति परि मृत्यु मामला को नहीं आज नयागढ़ जिला जोधपुर गांव को जीव बीजेपी एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि दल तेज विधानसभा आरंभरु ही परि मृत्यु मामला को नहीं मंत्री अरुण साहू को बहिष्कार और सीबीआई तदंत दाबी में बीजेपी सदस्य माने प्रतिवाद करि आछन्ति गत काली मध्ये हट्टगोल करबा सह गांधी मूर्ति तले प्रतिवाद करथिला बीजेपी तेज संपर्कित अधिक सूचना देवे भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि इमरान खान इमरान नयागढ़ परि अपहरण हत्या मामला दीर्घ दिन है प्रतिवाद विरोधी दल कुनी परी को न्याय केबे मिलिबो तबे आज एने नयागढ़ जिला जोधपुर गांव को मध्य बीजेपी एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि दल गस्त करछि अधिक अपडेट कौन आसुछि स्वप्न देखो वर्तमान परी को न्याय देवा दाबी में बीजेपी विधानसभा आरंभ करके राजस्थान पर्यंत विरोध कर परी को केमती न्याय मिले से सीबीआई तदंत दाबी करने सहित मंत्री अरुण साहू को इस्तीफा दाबी करती बीजेपी और आनेपटे आज विरोधी दल नेता प्रदीप नायकों नेतृत्व में बीजेपी विधायक एक प्रतिनिधि दल आज नयागढ़ जिलार जोधपुर अंचल को परिदर्शन करेंगे घटनास्थल को जी स्थित परखे और परी को किभ भाव में न्याय मिल पार ताकू दाबी करेंगे और सहित लोक भेटे कि बीजेपी कार्यालय गोटेपर गोटे विधायक समस्त आसिक पहुंचे जेहतु आज विधायक दल नेतृमंडल सीधासल जाए कि जोधपुर अंचल को जी तो आम आज आलोचना करेंगे आम सहित अच्छा ब्रह्मगिरी विधायक ललितेन्दु विद्या धर्मपत्र आज्ञा आज जब जोधपुर जी परी जो प्रदर्शन स्थित प्रदर्शन करेंगे केमती स्थित रण सब कार्यक्रम रही जोधपुर आज देखो आम लीडर अफ अपोजिशन नेतृत्व में बीजेपी समस्त विधायक बर्तमान परीर घर को जा परीर बापा माँ को सहित आलोचना आम करूँ
ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପରୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକିନା ସେଠିକାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଯିଏ ପରୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲାଣି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଟି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ସେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ SIT ଗଠନ ହୋଇଛି ତାହା କେବେ ସେ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୃହରେ ରଖିଥିଲୁ ସେଇ ଗୃହରେ ଆମେ କାୟମ ରହୁଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ CBI ଦ୍ୱାରା ଏହି ପରୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜାଯାଉ। ସାର୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ BJP ଯେଉଁ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଗୃହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା ରହିଛି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କୁସୁମ ଟେଟେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଯେଉଁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ରହିଛି, କ'ଣ ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ, କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଯୋଧପୁରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଗଣ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠି ଆମେ ଯିବୁ। ପରୀର ପରିବାରକୁ ଆମେ ଭେଟ କରିକି ଆସିବୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆହୁରି କ'ଣ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି କିଛି ଯଦି କାହାର ଦୁଃଖ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ଆମେ ଶୁଣିକି ଆସିବୁ। ଏଠି ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ମାସେ ଅଛି ବିଧାନସଭା, କିନ୍ତୁ ସେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ସେ ନୟାଗଡ଼ର ସବୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯାଇକି ଆଜି ପରଖିକି ଆସିବୁ, ଆଉ ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପରୀର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଥିଲେ BJP ବିଧାୟକ ଦଳ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯିବେ ସେଠି, ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବି କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଧାୟକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ଯାଇକି ଯୋଧପୁର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଆମେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ। ବିଧାନସଭାରେ ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ଧରିକରି ଆମର ଲଢ଼େଇ ହେଲା ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର CBI ତଦନ୍ତ ଏବଂ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ। ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତା ବଦଳରେ ବଡ଼ି ପକାଇଲେ। ଆମର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା, ଏବେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ବିଧାୟକ ଦଳ ଆଜି ପରୀର ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ତା'ର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯୋଧପୁର ନୟାଗଡ଼କୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଶ୍ୱାସ ଦେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CBI ତଦନ୍ତ ଏବଂ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାନଯାଇଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ SIT ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ କରିବେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ, ସେହି ପୁଲିସ ଅଫିସରମାନେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ଦେରା କରିବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଏ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଦାବି ରହିବା ସହିତ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ରୋଡ଼ରେ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଆମେ କହିସାରିଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଉପନେତା ସିଏ ତାଙ୍କର ଖୋଲା କଥାରେ OTV କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ନେତା ସେଥିରେ BJD ସହିତ ଡିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସରକାର ସହିତ ଡିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ୱେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ସେ ଦାବିକୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସହିତ ସେ ଡିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଡିଲ୍ ହୋଇଗଲେ ଯାହାଫଳରେ କି କଂଗ୍ରେସଟା ଡୁବିଯିବ, ଜିରୋ ହୋଇଯିବ, ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି।
जो देखिए कुंदुली घटन कांग्रेस एसआईटी तदंत न कि कहते सीबीआई तदंत कर घटना कौन एसआईटी तदंत कर कांग्रेस डबल स्टैंडर्ड डबल डील या पचर कौन सब बड़ा रहस्य रही कांग्रेस जेहेतु विजु जनता दल सहित केवल आज नुह गत देढ़ वर्ष होगा प्रत्येक इस्यूरे सीए विजु जनता दल सहित डील कर दृष्टिकोण सब सुरक्षा दौंस सब सुरक्षा दौंती निजे कही आम एस आई टी करवा सहित कृषिमंत्री इस्तफा नदला पर्यंत आम आंदोलन हरबू ना कि हरीगले एणु निश्चित भाव से सब क्षेत्र में सब विषय किभ सरकार को साय करेंगे भितरिया संपर्क करेंगे बुझामणा कर सरकार को सहयोग करेंगे ये नीति एणु से सरकार को सहयोग करूँ किंतु पार्टी आउ रही ना ये निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी आज प्रमाण कर विरोधी दल विरोधी दल हिसाब से आगामी दिन में ओडिशा को न्याय देवाई ओडिशार जनसाधारण पाखक जाकर न्याय लड़ापी शांति श्रृंखला एवं आईन परिस्थिति आज जहाँ भी होती बाबद लड़े करवाई आज सी राजरास्ता को उल्लेब धन्यवाद सर आम सहित अधिक आलोचना करते विरोधी दल मुख्य सचेतक मोहन माझी जहाँ सीधे सख्त कथ करते ये विधायक मान दृश्य बर्तन आप देखी पार्थे गोटी पर गोटे विधायक मैं आसिक पहुंचुच्च जो कथ कह गृहठ आरंभ करके राजरास्ता पर्यटन बीजेपी समग्र राज्य में बर्तमान विरोध कर कि भाव में न्याय मिले ताकि सब बड़ बर्तमान मुख्य दाबी रही है और गोटेपटे सीबीआई तदंत कराऊ अंपटे मंत्री अरुण साहू को बहिष्कार करजेपी दाबी करपटे जब कांग्रेस कथ आप जब कहते हैं कांग्रेस जो डबल स्टैंडर्ड गेम कथ जो बीजेपी अभियोग कर गोटेपटे गतकाल निजे कांग्रेस विधायक व वरिष्ठ नेता सुर राउत निजे कहते नरसिंह मिश्र से चाप पकड़ कौन मुह खोल ना पर मामला को लेकिन कथ को लेकिन सैड जीवे और जहाँ माइलेज बीजेपी नुटे से निजे अभियोग करते तो निहत भाव में बीजेपी सीधा सड़क अभियोग बर्तमान कर कांग्रेस बीजेडी सहित डिल होती से डिल को लेकिन कांग्रेस तरह बर्तमान पछकुचा दौर गृह विरोध करते डिल होगा कांग्रेस पछकुचा दौर सीधा सड़क बीजेपी अभियोग बर्तमान करते बीजेपी विरोधी दल नेता आज रही मुख्य सचेतक मोहन माझी सीधा सड़क अभियोग करते बीजेडी और कांग्रेस भितरिया डिल जहाद्वारा कि कांग्रेस बर्तमान व्याख्या चल जाए स्वप्ना निश्चित भाव इमरान आप सूचना देते बीजेडी कांग्रेस रो डील होई कहीं जदि कह मंत्री अरुण साहू को इस्तफा दाबी करुछंति विरोधी दल जी रही बीजेपी कहीं मंत्री पदर थी निरपेक्ष तदंत हो पारना जहाँ विरोधी दाबी आणुंट आज नयागढ़ जिला जोधपुर गांव को बीजेपी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दल परीर पर भेटा सह समबेदना जनवासह तदंत जेपर्यंत सरनी से पर्यंत प्रतिवाद जारी रही प्रतिश्रुति आसवे जहाँ सूचना देते भुवनेश्वर प्रतिनिधि इमरान खान धन्यवाद इमरान आपण समस्त अपडेट पाई। आज पवित्र कार्तिक पूर्णिमा कोरोना कटकणा जोगु एथर बोइत बंधाणा उपरे कटकणा लागिछि राजधानीर कोनसी जलाशय पुष्करिणी नदी रे डंगा भसणा उपरे कटकणा लागिछि कोनसी व्यक्ति मंदिर को जाय दियो दर्शन करिपारिबे नाही से नै मध्य प्रतिबंधक लगाजाइछि अन्य पटे आज श्रीमंदिर श्रीजीऊ मानकर दुर्लभ राजराजेश्वरी बेश बा सुना बेश अनुष्ठित हेबो कार्तिक मास पूर्णिमारे पारंपरिक रीति मते श्रीमंदिर रत्न सिंहासन उपरे विराजित तीन ठाकुर को राजराजेश्वरी बेश अनुष्ठित होइथाय एहा सुना बेशर अनुरूप श्रीजीऊ मानकर अवकाश नीति शेष हेबा परे पुष्पाळक सेवक माने विभिन्न रत्न अलंकार और पाट वस्त्र रे श्रीजीऊ मानंकु सुना बेश रे सजाई थांती सेपटे पर्यटक तथा भक्तों प्रबल भिड़ को दृष्टि रखि पुरी पुलिस पक्षर व्यापक व्यवस्था करा जाई छी सुरक्षा व्यवस्था को नजर रखि 15 प्लाटून पुलिस फोर्स सह जणे अतिरिक्त एसपी 7 जण डीएसपी 50 अफिसर मुतयन रहिछंती पवित्र कार्तिक बा राहस पूर्णिमा अवसर में बाबा आखंडलमणि आज दुर्लभ हरगौरी बेश सज्जित हेबे एथिपाई मंदिर रे स्वतंत्र नीति कांति अनुष्ठित होउछि भोर 4टा रे द्वार फिटा जिबा परे मंगल आळती महास्नान घर्षण लागि जलाभिषेक नीति संपन्न हेबा परे मणि बाबांकु दिगंबर बेश सज्जित करा जाय पहिलु बाळभोग लागि करा जायछि अन्यपटे कोरोना पाई पीठरे कटकणा सहित 144 धारा जारी करा जायथिबारु विधि विधान अनुजाई पुण्यतया शिव गंगा पुष्करणी रे बोइत भसण बा बंदापना नीति करा जायछि ताहा सह हबिश्याली भक्तंक पुष्करणी रे बुड़ पकाइबा पाई बारण करा जायथिबारु ताहा चलित वर्ष संपूर्ण भाबे बंद रहिछि प्रथमे मणि बाबांकर पहड़ खिया अन्ननीति भोग लागि हेबा परे मध्यान रे मणि बाबांको विभिन्न अलंकार लागि करा जाय पंचानन बेसरे सज्जित करा जाय बड़ अन्ननीति भोग लागि करा जिवो
कोरोना कटकणा पई चलित कार्तिक पूर्णिमा अवसर डंगा भसा को बारण करिसंती सरकार सेथिपाई जाजपुर पवित्र बैतरणी नदी तट दशाश्वमेध घाट मां बिरजा मंदिर परिसर में 144 धारा जारी कर जिला प्रशासन एथसहित जाजपुर सहर से दशाश्वमेध घाट जगन्नाथ मंदिर परिसर फांका फांका रही पवित्र बैतरणी नदी दशाश्वमेध घाट में जिलार कोण अनुकोण हजार हजार श्रद्धा डंगा भसाइबा को आसथान्ति किंतु चलित बर्ष एकत्रित होई डंगा भसा को बारण करा मंदिर दर्शन बंद कर निर्देश रही जहाँकि श्रद्धा मन को निराश कर अंपटे छोट छोट देवादेवी मंदिर में श्रद्धा समागम देखा मिली तेज संपर्कित अधिक सूचना देवे जाजपुर आम प्रतिनिधि परमेश्वर बेउरिया परमेश्वर जदि कह आज पवित्र कार्तिक पूर्णमी एवं बैतरणी नदी दशाश्वमेध घाट में हजार हजार भक्तों भिड़ लगी था डंगा भसाण पर कितु चलित बर्ष जहाँ कोविड कटकणा रही मंदिर परिसर में 144 धारा जारी कर तेज वर्तमान परिवेश किभ रही जानवाक चाहिए परमेश्वर देखंतु स्वप्ना ये होची जाजपुर जिलार जो रही पवित्र नदी बैतरणी नदी दशाश्वमेध घाट सबुठ बड़ कथा होची प्रत्येक वर्ष श्रद्धा डंगी भसिबा पई कार्तिक पूर्णिमा रे एवं एथि सहित मध्य प्रशासन पक्षर मध्य एठारे एक बोइत बंधान उत्सव मध्य पालन करा जायथाय किंतु सबुटु बड कथा होची जेहेतु कोविड रो कटकणा रहीची चलित वर्ष जिला प्रशासन संपूर्ण भाव रे जो मंदिर गुडीक रहीची प्रमुख मंदिर गुडीक रहीची जिला रे से मंदिर गुडीक पागरे 144 धारा को बलवत्तर करा जायची एथि सहित जो बैतरणी तट रहीची सेठी मध्य 144 धारा को बलवत्तर करा जायची एवं केवल मंदिर भितर को पूजक मानन को पूजा करबा पई निर्देश दे दैची श्रद्धालु मानन को आसिया पई दे जाय नै आम सहित एठिकार जो पूजक रही लक्ष्मी जगन्नाथ मंदिर जो पूजक रही सहित सीधा सड़क भाव में आलोचना करवा ना देखिए प्रत्येक वर्ष जो श्रद्धा मानक लगी रही है कि चलित बर्ष जो प्रकार भाव में प्रशासन पक्ष 144 धारा कर पूर्व वर्ष मैंने केमी कौन पूजा अर्चना कराए के संख्यक लोक हमें और चलित बर्ष कौन स्थित रही बर्तमान प्रत वर्ष हजार 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 लोक सब हूँ बोईत बंजाण हुए बोईत बंजाण हो सारा पर सब बहु लोक जगन्नाथ लक्ष्मी को दर्शन दर्शन करती जाती कि चलित बर्ष पर कोरोना कटकणापी ये सब जिला प्रशासन सब बंद बंद कर खाली जगन्नाथ लक्ष्मी को एक नीतिगत पूजा अर्चना करके मंदिर मानक बस छु आ लोक एठिक घाट के आज्ञा केवल एथर केमी देखुं घाट में प्रत्येक वर्ष हजार हजार लोक होता चलित बर्ष कई भक्त आसुना डंगी भसा हो उत्सव भी होमी देखुं आज्ञा कोविड कटक अनुसार केमी देखुं जिला प्रशासन कथा समस्त मानिंटी तेनाली बिलकुल टोटाली बंद कि ना डी बोत मजान ना कि डा भसा ना कहीं गोटे भक्त मैंने आसुना कि आसीना जो प्रत्येक वर्ष जेहेतु पवित्र नदी रोचे बैतरणी नदी और दशाश्वमेध घाट एटिके को अंचल भारत भारत को अंचल सब लोक मैंने आसी था बहुत दूर रू बाहर देश भी आसती बुड़ पक जाती राजस्थान रू आस महाराष्ट्र रू आस तेलंगाना आस सब जगह को आसिक सब बुड़ करके आस सब फेरी जाऊँ प्रशासन जहाँ से जान ना प्रशासन माने पुलिस माने बाहर को विदा कर निश्चित भाव में स्वप्न जहाँ आप शुणुते जो दशाश्वमेध घाट रही समग्र अंचल 144 धारा को बलवत्तर करसहत जो बिरजा मंदिर रही है से 144 धारा को बलवत्तर कर सबुठ बड़ कथा हूँ राज्य बाहर अनेक श्रद्धा एटिक आसी था कारण यही समय कार्तिक पूर्णिमा समय जो पवित्र समय रही सेनेक पिंड दान धर्म होता है से सबक बारण और पाबंद लग जा कारण समग्र अंचल 144 धारा को बलवत्तर कर जो मुख्य कथा रही हजार हजार श्रद्धा आसी था यही जगह पर बोइत बंदाण होता है सकाळ सकाळ मध्य लोक मान समागम देखा मिलता है से मध्य बंद रही है स्वप्न निश्चित भाव परमेश्वर आपण जेबळी सूचना देउतले आज कार्तिक पूर्णिमी अवसर में पवित्र बैतरणी नदी दशाश्वमेध घाट में जिलार कोण अनुकोण हजार हजार भक्त डंगा भसाण पर आसी था किंतु चलित बर्ष कोरोना महामारी जो सबकि फिका पड़ी एवं जहाँ घाट परिसर में 144 धारा जिला प्रशासन तरफ जारी कर धन्यवाद परमेश्वर आपण समस्त अपडेट
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ବାବାଜୀ ବାଳିକ କପିଳେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ମହିମା ବାଲି ବନ୍ତରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କ ନାମ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର। ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ବାଲି ବୋଳିଦେଲେ ଭଙ୍ଗା ହାତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣକୁ ମନା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। କୌଣସି ଜଳାଶୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ନିଜର ବ୍ରତ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତେଲ ନଦୀ, ମହାନଦୀ ଓ କର୍ପୂର ନଦୀର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ନିଜର ବ୍ରତ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ମହାନଦୀ, ତେଲ ନଦୀ ଓ କର୍ପୂର ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ସ୍ନାନ କରି କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଓ ସୋଲ କାଗଜରେ ତିଆରି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ। ଅତୀତର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସହିତ ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ଓ ଡଙ୍ଗା ଭସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୂର୍ବର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଓ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ନଦୀଘାଟ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନଦୀଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଡ଼ ନ କରି ଗାଁ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଡଙ୍ଗା ଦେଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାରଣ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚଉରା ମୂଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ମହିଳା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାନସିକ ରଖି ଅଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଘରେ ରହି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚଉରା ମୂଳେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣୁପୁରରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ଓ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଓ ଦେବାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଗରେ ସରକାରୀ କଟକଣା ତା ବାଟରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପବିତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ତନେୟା ନଦୀରେ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସହ ଆକାମା ବୋଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।